बड़ी खबर, रूस के रेफरेंडम पर नेटो का बड़ा दावा। ब्रेक करें, रेफरेंडम बहाना, रूस का हमला तेज करने का प्लान। सीधे विजुअल्स के साथ, रूस रेफरेंडम के बाद घोषित करेगा फर्जी नतीजे, ये बोल रहे हैं स्टोल्टनबर्ग। यूक्रेन को मजबूत करना बेहद जरूरी, ये बोल रहे हैं स्टोल्टनबर्ग। अब स्टोल्टनबर्ग पे कौन विश्वास करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे आइए यहां पर, ये जो ग्राफिक्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। रेफरेंडम बहाना है, यूक्रेन के चार स्टेट्स पर निशाना है। अब स्टोल्टनबर्ग ने कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग नहीं दे दी, हम सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। नेटो ने डीपीआर, एलपीआर, खेरसोन और ज़ेपोरेजिया में रेफरेंडम पर सवाल खड़े किए हैं। ओके, सवाल खड़े करने से वो क्या कर लेगा? रेफरेंडम की आड़ में रूस हमले तेज करने के लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है, यह हम सबको पता है। रूस फर्जी नतीजे घोषित करके कब्जे वाले इलाकों को अपना बताएगा। क्या अमेरिका ने ऐसा नहीं किया? क्या नेटो बताएगा? रेफरेंडम के बाद रूस दावा करेगा कि उसकी धरती पर नेटो के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, तो क्या जॉर्ज बुश ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना नहीं मारा था? यूक्रेन को मजबूत करके ही रूस को रोका जा सकता है। क्या पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अफगानिस्तान को ये मजबूत कर पाए अमेरिका को रोकने के लिए, हर एक के साथ में सवाल भी दे रहा हूं। पुतिन के इस प्लान पर नेटो देशों को तैयार रहना होगा। क्यों तैयार रहना होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि रशिया एक कॉमन एनिमी है। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग, रूस के रेफरेंडम पर बाइडेन ने खड़े किए सवाल। ब्रेक करें, रेफरेंडम को कभी मान्यता नहीं देंगे, बाइडेन ने कहा। विद विजुअल्स, अमेरिका के अलावा कई देशों ने रेफरेंडम को फर्जी बताया। ये लीजिए एक और खबर आ रही है, ब्रिटेन ने कहा रेफरेंडम के नतीजे पहले से ही तय हैं। ये लीजिए एक और खबर आ रही है, सीधे आइए, बाइडेन रूस के रेफरेंडम फॉर्मूले पर सवाल। ध्यान से देखें यहां पर, अमेरिका रेफरेंडम को कभी मान्यता नहीं देगा, हम रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, ब्रिटेन, रेफरेंडम के नतीजे पहले ही तय हैं, दुनिया इसे कभी नहीं मानेगी। नेक्स्ट, फ्रांस, ऐसे जनमत संग्रह पर रूस को कभी समर्थन नहीं मिलेगा। स्विट्जरलैंड, हर तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है रूस। जर्मनी, रूस के अवैध रेफरेंडम को हम कभी मान्यता नहीं देंगे। नेटो, रूस के फर्जी रेफरेंडम प्लान पर सबको तैयार रहना होगा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ विनोद सर मौजूद है। विनोद सर, शार्प रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, ये किस आधार पर ये बोल रहे हैं, जब इनको मदद करनी चाहिए थी यूक्रेन की? इन टर्म्स ऑफ फुट सोल्जर्स कुछ नहीं किया इन्होंने, इन टर्म्स ऑफ नेटो हाथ खाली कर दिए। फॉरगेट अबाउट दैट, यूरोपियन यूनियन में भी कुछ नहीं कर पाई। ये किस हक से बोल रहे हैं ये? देखिए, आपके बाइनरी सवाल का मैं सबसे पहले जवाब दे दूं और कुडोस टू आशीष, वॉच योर बैक एंड माय प्रेयर्स आर विद यू बडी एंड स्टे सेफ। देखिए, आपका बाइनरी सवाल का जवाब ये है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं निशांत जी, ओडिशा अभी तक रशिया के हाथ में नहीं आया। जब तक ओडिशा नहीं आएगा तब तक ये ब्लैक सी और लैंडलॉक का जो इनका पुराना जो सपना लेके चले हैं वो पूरा नहीं होगा। QPQ क्विड प्रो को जरूर होगा। नॉर्थ ऑफ कीव आज के तारीख में भी रशिया के हाथ में है, तो वो जो है QPQ के दौरान हो सकता है ओडिशा के साथ स्वाप किया जाए। और आपका रेफरेंडम का सवाल का मैं जवाब दे दूं, जो स्विट्जरलैंड के आंसर में छुपा हुआ है वो है, ये जो रेफरेंडम के बाद द नेक्स्ट रेफरेंडम विल बी यूनाइटेड नेशंस ओवरलुक्ड रेफरेंडम, जो रशिया के साथ ही आएगा। वो भी देख लीजिएगा आप, वो पासा जरूर फेंकेंगे कि आप यूएन के इस पे छत्र छाया पे रेफरेंडम कीजिए, वो भी आने वाला है, बस चंद दिनों की बात है। उस दौरान आप देखिएगा, ये जो देश हैं जो पहले से ही मन बना के बैठे हैं, डोनेस्क हुआ, लुहांस्क हुआ, क्रिमिया हुआ, ये सब रूस के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि कौन नहीं जाना चाहेगा। रूस आज के तारीख में इस पूरे एरिया में जिनका GDP ज्यादा है और एक बड़ा देश है, एक छोटा मोटा देश नहीं है। तो ये रेफरेंडम बिल्कुल ही इट विल स्टैंड ऑन इट्स वाटर। बट बाकी लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि नेटो का कहानी गा रहे हैं, नेटो को नेटो से बाहर किए जाएंगे। नेटो की अपनी लाइफलाइन जो है ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, हो सकता है नेटो के दरारें जो हम देख रहे हैं वो जल्दी से। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।